नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस करूंगा वो है कि जो टेस्टिस हैं यदि उस पर चोट लग जाए तो इतना पेन क्यों होता है। कभी आपने सोचा है कि हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं कहीं बाहर कहीं भी चोट लग जाए तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन यदि टेस्टिस पर हल्की सी भी चोट लग जाए, यानी कि बोल लग जाए या आपका पैर लग जाए, हाथ लग जाए, किसी का कुछ टच हो जाए, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, इसके पीछे फिजियोलॉजी हम समझते हैं। जो टेस्टिस है ये एक इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन क्या है? देखिए, जैसे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये हमारी बॉडी के अंदर है, यानी कि इंटरनल ऑर्गन है। ऐसे ही टेस्टिस भी इंटरनल ऑर्गन है। ये आपने सही सुन रहे हो, आपने पहली बार इसको सुन रहे हो गए या आपको पता चला होगा कि ऐसा भी है। लेकिन आप कहोगे सर, ये जब ये इंटरनल ऑर्गन है तो ये बाहर क्यों है? देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो जो टेस्टिस हैं वे पेट के अंदर होते हैं, यानी कि किडनी के आसपास होते हैं। तो जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको मेल हार्मोन कहते हैं, वो बढ़ता है, तो जब वो बढ़ता है तो जो टेस्टिस है वो पेट के अंदर ही दो छेद होते हैं नीचे थैली में, जिसको हम स्कोटम कहते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं। ये होता है एक तरह का प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये आपको समझ में आ गया? आप देखिए, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो सेंसिटिव हैं, तभी तो वे कवर हैं। हमारा हार्ट है, लीवर है, किडनी है, इतने सेंसिटिव अंग हैं कि इसको हम टच नहीं कर सकते। यदि टच कर दे तो इसमें बहुत पेनफुल होता है, इसलिए तो ये कवर रहते हैं हमारे रिब्स के चारों तरफ, ठीक है ना, नीचे। तो रीजन यही है। और जो इसकी नसें हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि सारी नसें बाहर होती हैं। आप देखिए, टेस्टिस की सारी नसें बाहर होती हैं क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है। तो जैसे ही आपको पेन कोई टच होगा यहाँ पर, या कोई आपको बोल लगेगी, किसी भी प्रकार का हर्ट कह सकते हैं, तो एक शोक होता है, वेनोवेगल शोक जिसको हम बोलते हैं, वेनोवेगल शोक। ये क्या होता है? इसमें सीधा ब्रेन में सेंसिटिव जाता है। ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको रफली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको इतना पेन होगा, असहनीय पेन। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? जब आपको पेन हुआ, यदि आपको हल्की फुल्की चोट लगी है, यानी कि आपको कोई बोल लग गई है और आपको पेन हुआ है, तो ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। पेन बहुत तेज होता है लेकिन ये थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पेट के बल लेट जाइए थोड़ी देर बाद पेन चला जाएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। इसलिए इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात कब है? जब वहाँ पर सूजन आ जाए या वहाँ पर नीलापन आ जाए। देखिए, यदि आप सूजन आया कहीं है या नीलापन आ गया है, तो नीलापन आ गया इसका मतलब ब्लीडिंग हुई है, मतलब कोई भी वेन वहाँ पर रप्चर हुई है, ब्लीडिंग हो गई है, सूजन आ गई है, तो तुरंत आपको पेन किलर लेनी चाहिए। कोई भी आप ब्रूफेन वगैरह जो भी आप लेना चाहें वहाँ पर ले लीजिए, कोई बुराई नहीं है। और तुरंत अपने किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, हॉस्पिटल में ज़रूर जाइए। आप इसको नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि एक छोटी सी चोट यदि आपको वहाँ पर सूजन है या ब्लीडिंग आ रही है, तो इसका परिणाम आपको नुकसान दे सकता है। तुरंत किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइए, किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए, वहाँ पर अपना चेकअप कराइए, या किसी सर्जन के पास जाइए। अब जो करेगा तो आगे सर्जन ही करेगा, वो क्या है कैसे है इसके बारे में मुझे, मैं अब क्या बता सकता हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको आप नेगलेक्ट मत करना, और तुरंत किसी भी बेस्ट जो आपके आसपास सर्जन है या यूरोलॉजिस्ट है, वहाँ पर जाइए, इसका ट्रीटमेंट कराइए। ईजिली ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि टेस्टिस पर यदि चोट लग जाए तो इतना दर्द क्यों होता है। और जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही करूँगा, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो आपको वाकई, जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वाकई अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर दबा देना। थैंक यू वेरी मच।